अस्सलाम वालेकुम भाई। आज जो आपको बताने लगे हैं ये पीपीआर की फिटिंग है। पीपीआर की फिटिंग में बड़ा इम्पोर्टेंट जो फिटिंग है ये आपकी देखें, ये है आपका गेट वॉल्व। गेट वॉल्व जो होता है ये मेन सप्लाई पे लगता है आपका, और ये तकरीबन 32 mm का है। 32 mm का गेट वॉल्व है, और इसके साथ इसके ये पहलू में जो है ये है बॉल वॉल्व। बॉल वॉल्व जो है ये 25 mm का है। ठीक है, यहाँ पर फोकस करें, इस जगह इधर इधर लेके जाएं कैमरे को, इधर 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 यहाँ पर इस जगह। ठीक है, ये देखिए ये 25 mm का है और ये 32 mm का। ठीक है, ये 32 mm। अब आपके नीचे की इंतहाई इम्पोर्टेंट फिटिंग है जो आप शावर मिक्सचर के लिए या किसी भी मिक्सचर के लिए लगाते हैं, जिसे हम बोलते हैं मिक्सचर बैक पॉइंट। दीवार में लगा होता है इसकी ये बुश और ये बुश, इनका दरमियानी फासला यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 15 सेंटीमीटर होता है या 6 इंच होता है। ठीक है, बाकी की वही फिटिंग है 25 mm की ये लगी हुई, और ये इसके आगे हम वो एडजस्टेबल निप्पल लगाते हैं। निप्पल लगाने के बाद मिक्सचर लगाया जाता है सीपी का, तो ये उसका मिक्सचर बैक पॉइंट कहलाता है। और ये लॉन्ग लॉन्ग क्रॉस ओवर बैंड है, लॉन्ग क्योंकि लंबा है थोड़ा, तो लॉन्ग क्रॉस ओवर बैंड होता है। ऐसे एक पाइप गुजरता है इधर और एक इसके नीचे से ऐसे जाता है। ठीक है, उसके साथ ये एक क्रॉस ओवर बैंड है, शॉर्ट क्रॉस ओवर बैंड है 25 mm का, ये भी 25 mm का है। और ये आपकी टी है, 25 mm की टी, क्रॉस टी इसको बोलते हैं, पीपीआर की क्रॉस टी 25 mm की। और इसके साथ ही ये क्रॉस टी है 32 mm की। तो ये आपके लिए हमने इंफॉर्मेशन के लिए पीपीआर की फिटिंग को, इसके यूज़ और इसकी स्पेसिफिकेशन बताई है, इसके साइज़ बताएँ। उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और कमेंट करेंगे। इसी तरह फिर हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर सेंड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।